मॉर्निंग, आज हमारा दूसरा दिन है। हम लोग यहाँ आए थे, कल का व्लॉग तो हमने बनाया था। मैं नॉलेज नहीं है व्लॉग कैसे बनते हैं, पर थोड़ा बहुत बनाते रहते हैं, तो वो हमने डाल दिया था। तो आज नया दिन स्टार्ट है। तो अभी सुबह उठे हैं, तो ये जो कॉटेज कल दिखाई थी आपको, उसी के अंदर घूमें। ये व्यू है, ये कॉटेज है। राहुल भाई बैठे हुए गाड़ी में, हमने पुलाव रख दिए हैं। पुलाव बना के फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो रास्ते में भी अगर कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे। ये यहाँ का जो एरिया है, ये गांव का घर है बेसिकली। तो ये लोग यहाँ पे, सिटी थोड़ा सा आगे है तो अच्छा लगता है, यहाँ आके रुकते हैं ऐसी जगहों पे। वहाँ नहीं रुकते हम लोग सिटी में। सिटी में बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट हैं वैसे, पर मज़ा ऐसी जगह पे ही आता है। तो ये ओवरऑल एक पुराना घर है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो ओनर है वो इसमें रहते हैं, हमें ये वाली कॉटेज दी हुई है। तो ये है, ये देखो पुरानी एक गाड़ी खड़ी करी है कोई, ये होगी रशिया के टाइम की। ये रशिया के टाइम की होगी कोई बस, बस वैसी खड़ी है तब से। तो ये ओवरऑल अभी आगे जाएंगे तो रास्ते में आपको दिखाते हैं सारा। इधर ग्रीन पहाड़ी है और ये इधर थोड़ी सी वो है सूखी हुई, लेकिन सही है, ये खेती का इन्होंने कुछ लगाया होगा। तो ये ओवरऑल आगे देखते हैं, दिखाते हैं आगे आपको। ये देखो एक छोटा सा टेंट लगाया है इन्होंने, अच्छा लग रहा है, शायद बच्चों के लिए लगाया होगा, खेलते होंगे बच्चे यहाँ। अंदर से भी दिखाता हूँ आपको कैसा है, मेरे को तो लग रहा है शायद कोई डॉगी होगी ना रहता हो। ये ट्रैम्पोलिन लगाई हुई है, वैसे बच्चों का ही होगा। कॉटेज अंदर से दिखाता हूँ, हमने यूज़ कर ली, हालत ख़राब है। राहुल भाई तैयार हो गए हैं, रमन भी तैयार बैठा हुआ है, बस अब पुलाव बनने का वेट हो रहा है। ऊपर भी दिखाता हूँ आपको, ये किचन है, ये नीचे हो गया, ये ऐसे ऊपर जाके। ये यहाँ पे बेड थे दो लोग, यहाँ एक उधर और एक इधर, टोटल चार पांच लोग। चार लोग तो इजीली आ सकते हैं। और एक ये बालकनी, अभी दिखाता हूँ। ये ओवरऑल है, इन्होंने हमारे से लिए हैं 150 लारी। तो 150 लारी 33 रुपये का एक लारी होता है। ये गाड़ी खड़ी है, वापस जाने का बनाना। ये ले जाओ भैया मेटाडोर, इसे भी ले जाओ। वापसी के लिए चल दिए हम लोग। ये देखो पहाड़ी, बहुत अच्छा व्यू है। हम लोग निकल चुके हैं और उम्मीद है रास्ते में ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो 3 घंटे में हम घर पे होंगे। नहीं राहुल भाई, हम नहीं होंगे 3 घंटे में घर पे। रास्ते में 2-4 चीजें कवर करनी है। एक मुझे तुम्हें उस लिफ्ट में चढ़ाना है अगर मिल गया मौका तो देखते हैं। राहुल भाई देखो व्यू बढ़िया आ रहा है। एक्चुअल कैमरे में उतना सही आता नहीं है जितना हमें दिख रहा है, तो कोई इस वीडियो को कैमरा अच्छा लेंगे ना, जब लोग जुड़ेंगे ब्लॉग देखेंगे फिर कैमरा अच्छा लेंगे। वो उसमें भी ये व्यू नहीं आएगा, आएगा जो आना चाहिए, वो आके ही देखना पड़ेगा उसके लिए। ये देखो लाइन लगी है ट्रकों की, ये रशिया के लिए। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो गई लाइन और
ये सारे वेट कर रहे हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, और ये पता नहीं कितने अभी दिखता रहेगा, बहुत लंबी लाइन है। तो ये सब लोग वेट कर रहे हैं बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए। रशिया यहाँ से बहुत पास है, कितने किलोमीटर होगा राहुल भाई? रशिया बॉर्डर यहाँ से भैया बॉर्डर तो पास ही है, 10 किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर। नहीं बॉर्डर तो पास ही है, लेकिन आगे रशिया, हाँ पहली सिटी रशिया की पहली सिटी पड़ती है व्लादिकाउकस। अच्छा वो होगी यहाँ से 30 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर। ओके ये देखो कितनी लंबी लाइन है, सारे ट्रक ऐसे ही खड़े हैं। हाँ जी ये राहुल भाई बोल रहे हैं नीचे गांव में जाना है, हम हाईवे से राइट मुड़ के नीचे जा रहे हैं, नई रोड बनी है कोई, कह रहे नीचे थोड़ा राउंड लगा के आते हैं। मजे तो यही ले रहे हैं, रात को भी पूरे मजे लिए। ये एक लिफ्ट है देखो पुरानी रशिया के टाइम की, ये आपको दिख रही होगी, और पास जाता हूँ मैं, यहाँ रोक के आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो ये रशिया के टाइम का उन्होंने कोई लिफ्ट बनाई होगी उस टाइम, अभी जो ये रोड देख रहे हैं तो अब बनी है, उस टाइम कोई रोड नहीं होगी। और ये ऐसे लिफ्ट थी, इससे ऐसे ये ट्रॉली सामने दिख रही होगी आपको, इस ट्रॉली से इधर से उधर सामान जाते होंगे उस टाइम की। अभी तो इन्होंने ये रोड बना दी, अभी हम नीचे वैसे ही जा रहे हैं देखने। तो पुराने टाइम पर रशिया के टाइम पर इसी तरीके से यहाँ से वहाँ जाते होंगे। ये है हम लोग अब नीचे जा रहे हैं, मैं बाहर से दिखा रहा था आपको गाड़ी से निकल के, तो शोर बहुत था हवा का, तो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि उस टाइम पे ये क्रेन से इधर से उधर सामान, राहुल भाई ऐसा ही होता होगा। हाँ जी, ये गांव की कनेक्टिविटी जो मेन रोड से थी, गांव के और मेन रोड के बीच में एक, तब तो ये होगी नहीं, ये खाई है, बहुत गहरी खाई है गांव के और मेन रोड के बीच में, और इसके बीच से एक नदी भी बहती है, तो उस टाइम पॉसिबल नहीं था, तो इसी से शिफ्ट होते थे लोग भी और सामान भी, रोड बनाना, तो लोग सामान भेड़ बकरियां सब लिफ्ट से जाते थे। आज हम इस रोड से नीचे जाएंगे पूरा, ये देखो अब तो राहुल भाई इन्होंने पुल भी बना दिया नीचे, और रोड भी पक्की है, अब हम पुल पर चढ़ेंगे। मैं एक बार नीचे उतर के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। आ रही है कहीं गिरी जाए इस गांव में पहुंच गए। ये गांव में जो देख रहे हो बहुत सारे पाइप दिख रहे होंगे, ये देखो पाइपों का जंजाल हर घर के बाहर। ये पुराने टाइम पे ऐसे ही पाइप से गैस जाती है ना राहुल भाई? हाँ जी, अभी भी यूज में, ये अभी यूज में होगी। हाँ ये गैस का सारा कनेक्शन इन पाइपों से था, और अभी भी कहते हैं यहाँ इस गांव में तो यही चल रहा है, इसी का है, तो ये सारा पाइप उसी का है गैस का।
ये वाले पाइप हैं। अलवे अभी आती होगी ना इसमें गैस? यही इसमें ही आते हैं जी, यूज में है। हाँ, मीटर लगाना है यहाँ। ये मीटर इसी का है, इसी गैस का। और ये कूड़ेदान देखो, 420 कूड़ेदान भी 420 होते हैं। 420 इसमें बर्फ रहती है, 700-800 फुट। हाईवे ऊपर गाड़ियां जो दिख रही हैं, ट्रक खड़े हुए हैं रशिया वाले, हम नीचे उतरे थे, बहुत छोटी सी लाइन दिख रही होगी। अब हम वापस उसी रोड से वापस जा रहे हैं ऊपर, सिर्फ गांव देखने आए थे राहुल भाई, मन नहीं लग रहा था इनका गांव देखना था। केबल कार आ गया, जाना है छोड़ो। केबल कार नेक्स्ट टाइम चलेंगे भैया। अच्छा, बार थोड़ी जल्दी है, तिबली से पहुंचना है टाइम से। चलो नेक्स्ट टाइम स्पेशल आएंगे इसके लिए, फिर मैं भी चलूंगा। हाँ जी, फिर इकट्ठे ही चलेंगे, उसी से व्लॉग बनाएंगे पूरा और देखेंगे। कहते हैं राहुल भाई के अंदर सब काफी अच्छा वो है, सारी खाली दिख ही रहा है। ये नेचुरल सल्फर निकलता है जी माउंटेन से, पहाड़ों से, और ऊपर से इसमें एक वाटरफॉल भी है, तो वाटरफॉल और सल्फर मिक्स हो गए दोनों। लोग आते हैं फोटो खिंचाते हैं। ये यहाँ पे होता है बारबेक्यू, और ये केबिन बना रखे हैं अलग अलग गेस्ट्स के लिए। यहाँ पे आपको फ्रेश बारबेक्यू मिलेगा गर्मियों में। जी मैं हम लोग आ गए थे अपना टूर खत्म करके, राहुल भाई को घर पे छोड़ दिया, मैं घर पे था। अभी ये मेरी साइकिल खड़ी है, तो सारा टूर दिखाया, आज का भी थोड़ा समय वापसी में थोड़ा ही कवर किया, बीच में रोक दिया। तो अब मैं घर आ गया, काफ़ी देर हो गई वैसे आए हुए, रात हो गई है। तो ये मेरा झूला है, कॉफ़ी यहीं बैठ के पिया करते हैं शाम को। तो ये सामने पूल है, नीचे बच्चे खेलते रहते हैं, शोर रहता है काफ़ी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, बना लेता हूँ थोड़ा बहुत, अगर लगा तो आगे बनाएंगे। चलो अब मैं कॉफ़ी लेता हूँ।